शारीरिक दूरी रखें, सामाजिक नहीं। लॉकडाउन के दौरान लोग शारीरिक दूरी रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, मगर यह दूरी सामाजिक न हो। आपस में बात करें, किताबें पढ़ें, संगीत का मजा लें और एक दूसरे के अनुभव शेयर करें। अकेले न रहें और खुश रहने की कोशिश करें। यह मानते हैं कि लॉकडाउन के बाद मानसिक तनाव के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत कोरोना पर रिसर्च करने वाला 4th देश, जैसे ही चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में रहस्यमय बुखार फैलने की खबर फैली, WHO ने शोध में अग्रणी देशों से मदद मांगी। चीन में तो कोरोना वायरस पर शोध शुरू हुआ ही, साथ ही अमेरिका और भारत में भी कोरोना पर शोध शुरू हुआ है। हैदराबाद स्थित जैविक शोध संस्थान भी सक्रिय हुआ। इटली में जब कोरोना फैला तो इटली में भी इस पर शोध किया। भारत के साथ अमेरिका, चीन और इटली 4 ही देश हैं जहां कोरोना पर पुख्ता जांच की गई है। कई शोधों से जुड़े डॉक्टर बताते हैं कि हम वैक्सीन बनाने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विदेश की बात मैं नहीं करता, लेकिन भारत में ही हम 16 माह में वैक्सीन तैयार कर लेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो तमाम शोध साबित कर चुके हैं कि आपके स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टॉयलेट सीट से भी गंदी होती है। यह अंतर 10 गुना तक होता है, यानी कि टॉयलेट सीट के मुकाबले 10 गुना बैक्टीरिया आपके मोबाइल पर हो सकते हैं। डॉक्टर राव बताते हैं कि मोबाइल पर कोरोना वायरस 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में किसी अन्य का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करें। यदि किसी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे स्पीकर मोड में करें और उसे अपने कान गाल से टच न करें। फ़ोन कॉल के बाद अपने हाथों को साबुन हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें।